क्लियर। चलिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट देख लिया, तीन रूल भी देख लिया, और मजे की बात लास्ट क्लास में ये भी देखा कि कई बार ये रूल फेल हो जाता है। यानी जब क्वेश्चन बोल दे कि आपने करना यही है तो वही करना है भैया, इन सबको हटा देना है फिर, ठीक है। इसके बाद हमने एक सवाल देखा था, इसका भी एक पार्ट पेंडिंग है। इसके बाद बैलेंस शीट भी हमने देख लिया, बैलेंस शीट कैसे किया जाता है आपको समझ में भी आ गया होगा। इस बैलेंस शीट की खास बात, ये दोनों आपस में कभी मैच्ड नहीं होते हैं। इसके बाद हमने एक और सवाल करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे नए सवाल पे, और नए सवाल पे हम एक से ज्यादा साल का जब क्वेश्चन होगा तो करेंगे। ये दो कॉन्ट्रैक्ट वाला तो बड़ा सीधा साधा सवाल है, ये तो मैं वैसे ओरली बता दूंगा, ये होमवर्क में दे दूंगा। मतलब इसके अंदर इस क्वेश्चन को अलग मानिए, इसको अलग मानिए, बात ही खत्म हो जाता है। लेकिन हम आगे चलते हैं, मैं कौन सा क्वेश्चन करूंगा, ये भी होमवर्क अभी तक दिया नहीं है, तो एक ये सवाल कर लेते हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हो आपका ये है। देखिए बुक में होगा आपके सवाल, ये 2004, 5 और 6, 3 सालों का सवाल है ये, और रेलेवेंट आइटम का बैलेंस शीट भी हमें बना के दिखाना है, ठीक है। तो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ और फिर हम इस सवाल को करेंगे साथ के साथ। थोड़ा ये ज्यादा बड़ा सवाल होने वाला है, आज का मेन मुद्दा यही है। इसके बाद सर एक और मुद्दा है, एक्सक्लेनेशन क्लॉज, आज वक्त मिला तो आज ही खत्म कर देंगे, यानी ये चैप्टर मान के चलो एंडिंग पे ही है। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और सर ये 2004, मेरे क्वेश्चन में 2004 है, आप में 2014 भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली टू ईयर और ईयर के हिसाब से रहता है, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखेंगे, मतलब हमें 3 सालों का डिफरेंट डिफरेंट बनाना है। एक यहां बना लेते हैं, या तो हम पीछे चलते हैं, पहले हम 1 साल का कर लेते हैं फिर पीछे चलेंगे, ठीक है। कहता है रिचर्ड एंड सन अंडर टुक अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट का फुल प्राइस जो था 75 लाख, 75 लाख, फुल प्राइस इज 75 लाख, क्लियर है सर। चैप्टर में रिकंसलेशन करा दीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर में, बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर आप, मैं वैसे प्रोसेस कराना है, और जिनको रिकंसलेशन करना है ऑलरेडी मैंने फोल्डर में डाला हुआ है, वो बिल्कुल सही है, वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। बाकी रिकंसलेशन का मन बनेगा तो रिकंसलेशन कर लेंगे अगली क्लास में, वो भी इंपॉर्टेंट ही है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा इतने का था, कहता है एग्रीमेंट 80% वैल्यू वर्क डन, कहता है कि भैया हम जो पेमेंट करेंगे ना, वो जो पेड करेंगे सिर्फ हम कितना करने वाले हैं, 80% करेंगे एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। कॉन्ट्रैक्टी शुड पेड इमिडिएटली एंड रिमेनिंग 20% रिटेन अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। और कॉन्ट्रैक्टी भी बोलता है कि हाँ सही बोल रहे हो, मैं 20% तो तब तक नहीं दूंगा जब तक ये पूरा काम खत्म, यानी आर्किटेक्चर आएगा और वो देखेगा, और उसने बोला जितना काम कंप्लीट डन नहीं कर पाए तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। आगे कहता है क्वेश्चन में मटीरियल हमारा 2004 में, तो कुछ खर्चों की बात कर रहा है तो वो खर्चे लिख लेते हैं सर, क्या क्या गिवन है। मटेरियल
सर मटेरियल, मटेरियल कितना है हमारा? 9,60,000। अब मैं हर बच्चों को बोलना चाहूंगा जिनके पास किताब है ना, बुक का जरूर डिजिट एक बार देखते रहिएगा, नहीं तो फिर वही होगा कि कहीं मेरे इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो तो आप परेशान हो जाएंगे। बाकी अभी ठीक है। वेजेस 8,50, वेजेस 8,50,000। वेजेस के बाद कैरेज, कैरेज 30,000, कैरेज के बाद कार्टेज, पांच हजार कार्टेज के बाद सन्ड्री एक्सपेंस कितने? 35,000। पैंतीस वर्क सर्टिफाइड बाय साइड में डब्ल्यू आई पी एंड वर्क सर्टिफाइड 18,75,000। यहाँ पे हम कुछ बच्चे ढूंढ रहे हैं तो हम यहाँ पे हैं। 80% पेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर। यहाँ पे वर्क नॉट सर्टिफाइड नहीं बताए, फिर भी क्या पता आगे बोल दिया, हम पढ़ लेते हैं। सेम 2005 में कहता है मटेरियल का खर्चा, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, सन्ड्री एक्सपेंस 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड डन 31 दिसंबर 2000, 80% वॉज टू बी अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनयूज स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस अनसर्टिफाइड। ये 2005 के लिए था सर, 6 में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, तो हमारा 1 साल का डन हो गया, 1 साल का डन। चलिए निकालते हैं साल में। सर वॉइस नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो? मैंने ऑलरेडी डन कर दिया, डाल दिया है भाई, आप चेक करेंगे मिल जाएगा। पहले देखिए वॉइस, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आ ही नहीं रही, और मुझे तो लग रहा है आ रही है वॉइस। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ऑल क्लियर आ रही है, तो ये आ जाएगा हमारा 1875, और कुछ है नहीं तो देख लेते हैं कहीं लॉस तो नहीं आ रहा। 8,50, ओहो 960, 850, 18, 10, लग तो रहा है लॉस में चला जाएगा ये। दे ही नहीं रखा तो नहीं, जरूरी नहीं है। 1880, अब बच्चों के मन में आएगा सर वर्क नॉट सर्टिफाइड क्यों नहीं आया? आर्किटेक्चर साल के एंड में ही आया हमारा, 31 मार्च को आया, उसने बोला इतना काम हो गया तो उसके बाद कौन सा होगा, सारा सर्टिफाइड ही करके चला गया। ठीक है तो बाय साइड में क्या आ जाएगा? बाय लॉस। और सर लॉस पे कोई कानून नहीं चलेगा, लॉस के ऊपर कोई कानून नहीं चलने वाला, खत्म यहीं पे, इसके आगे का स्टेप इसमें होना ही नहीं है। पहले तो एक नई चीज आपको इसमें देखा, समझ में आई बात आपको? नहीं जाएगा आगे, यहीं पे कहानी खत्म लॉस की। क्लियर? जैसे हम दो रूल लगाते थे ना कि सर 2/3, 1/3, वो सब कुछ नहीं लगना क्योंकि वो प्रॉफिट के केस में होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बनाना है, तो पिछले पेज पे चले आगे, मतलब नेक्स्ट पेज, क्योंकि मुझे यहां से कंपेयर करने की, हाँ अगले पेज पे चलते हैं, कंपैरिजन वहीं चलेगा हमारा। चलिए सर, यानी 2 साल का और कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना, 2 मिनट में बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2005 मेरे सवाल के हिसाब से, अब ये आ जाएगा 2000,
2006, ठीक है। बाकी पर्टिकुलर वगैरह सब वही रहने वाला है, ठीक है। जो पर्टिकुलर वगैरह था वो सारा का सारा वही एज इट इज सेम रहने वाला है। अब थोड़ा सा कहानी यहाँ पे मैं आपके साथ फटाफट आता हूँ सर। यानी 3 साल का काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर, ये हमारा 3 साल का काम है, और ये एक लाइन खींचा मैंने आपके सामने, और ध्यान से समझिएगा, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन काम की है। मान लेते हैं हमारा 1 साल ये है, और मान लेते हैं दूसरा साल ये है, और तीसरा साल ये है, ठीक है। और ईयर भी लिख देता हूँ, ये 2000, मेरे सवाल के हिसाब से 4, 2005, ओह माय गॉड, 2006, ठीक है। यानी हमारा यहाँ से यहाँ तक है। अब जो आर्किटेक्चर है, वो हमारे वर्क को डन करेगा। तो जब वर्क को डन करेगा वो कैसे करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे मैं बिल्डिंग घर बना रहा था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नींव डाली है। देखो मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, सिर्फ मैंने बोला नींव डाल दिया यहाँ, और ये भी बिल्कुल नींव डाला इस डेट पे। तो हमारा आर्किटेक्चर आएगा, और आर्किटेक्चर आके यहाँ देखेगा और ये बता देगा कि भैया तुम्हारा काम इतने प्रतिशत क्या हो गया, डन हो गया। समझ रहे हो बात, यही करेगा आर्किटेक्चर आके। फिर धीरे धीरे हमारा काम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और फिर कहीं हो सकता है एंड में आए, और हो सकता है पहले आ जाए आर्किटेक्चर, वो तो उसके मूड के ऊपर बात है। फिर आर्किटेक्चर आएगा और पहले वो काम देखेगा, और यहाँ तक मैं काम बताऊं तो थोड़ा काम तो ऊपर बढ़ चुका है, यानी ये काम हो चुका है। अब जो आर्किटेक्चर है ना, ये आएगा और आके फिर यहाँ पे खड़े होके ये क्या कहेगा कि कितना काम डन हो गया, इसका एक परसेंटेज बताएगा। तो अब जो परसेंटेज बताएगा, सपोज दैट आर्किटेक्चर ने बोला यहाँ पे कि आपका 20% काम डन हुआ है, और यहाँ पे आर्किटेक्चर ने बोला कि आपका काम जो डन हुआ वो हो गया आपका 60%। तो आप मेरी बातों को समझिएगा। अब जो 60% काम कंप्लीट बोला, ये टोटल इसने बोला या सिर्फ इसी इसी साल का बोला होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसने टोटल बोला होगा। यानी सर अगर मैं बोलूं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख का है, तो 10 लाख का अगर यहाँ पे सेल्स है, वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, 2 लाख, और यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, 6 लाख होगा सर। तो इस साल की सेल 6 लाख, माने इस साल की सेल कितनी है, 2 लाख, इस साल का सेल कितना है, 6 लाख। तो इस साल का सेल हमारा 6 लाख है या फिर 4 लाख है, वो आपको तय करना है। इस साल का सेल्स हमारा कितना है, 6 लाख या फिर 4 लाख, दिमाग लगाओ, सिंपल सी बात है। तो आप तो भैया सेल यहीं से यहीं तक का देखोगे ना, तो यहां से यहां तक ये जो 6 लाख का सेल है वो पता है कहां से कहां तक का है सर, वो यहां से लेके यहां तक का। लेकिन आपको तो सिर्फ इस साल का सेल देखना है, तो इस साल का सेल देखने के लिए क्या करना है आपको, जो पुराने वाला था उसे माइनस करके निकालेंगे। बिल्कुल लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा नहीं चलना आपको। मैं एक काम और भी कर सकता हूँ सर, मैं ऐसा कर सकता हूँ, 6 लाख में से आपने जो आपने किया वो मैं 2 लाख माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब आर्किटेक्चर मान लेते हैं यहाँ पे है और यहाँ पे आ गया, और मेरा मकान बन के तैयार, मेरा घर बन के तैयार, और आर्किटेक्चर ने यहाँ पे बोला भैया आपका काम जो डन हो चुका है ना वो हो चुका है, मान लेते हैं 100% इसने दे दिया, 100% डन। तो अब इस साल आप बताइए मुझे, जो 100% डन बोला है वो सिर्फ इसी साल का है या पूरे का? पूरे का। तो यहाँ पे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होगा, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 10 लाख, तो इसका मतलब इस साल की सेल कितनी होगी बताओ, 2 लाख। इस साल की सेल कितनी होगी, 2 लाख होगी या कितनी होगी बताओ, 4 लाख। इस साल की सेल 4 होगी ना, क्योंकि आप कितना माइनस करोगे, हाँ 6 पूरा माइनस होगा, तो कितना सेल होगा आपका, 4 लाख रुपए। इस साल का सेल कितना होगा, 4 लाख रुपए होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे। अब इस सेल को दिखाने का, हम सेल इधर दिखाते हैं, अब मैं इस अकाउंट का यूज नहीं कर रहा, लेकिन इसी अकाउंट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो अगर मैं दूसरे साल में जाके सेल्स यहाँ 6 लाख दिखा दूं, तो गलत होगा या सही होगा, आप बताइए। दूसरे साल में अगर मैं सेल्स 6 लाख दिखा दूं जाके, तो सही होगा गलत होगा? गलत, क्योंकि सर आपका सेल्स तो दूसरे साल का 6 लाख है ही नहीं,
आपका दूसरे साल का सेल्स कितना है, ओनली 4 लाख है। तो मैं यहाँ पे अगर दिखा दूँ WIP, WIP लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर वाला अगर मैं यहाँ, एक तो तरीका है 2 लाख दिखा दूँ तब तो ठीक चलेगा हमारा काम, या फिर मैं यहीं पे क्या करूँ माइनस ईयर कर दूँ, कौन सा लास्ट वाला 6 लाख में से कितना 2 लाख, और यहाँ कितना दिखाऊं मैं नेट में 4 लाख। तो आप समझ पा रहे हैं जब 2 साल या 3 साल का काम चलता है तो जो अगले साल आर्किटेक्चर आता है हमारा काम करने को, वो सिर्फ उस साल का सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट नहीं देता, उस साल परसेंटेज सर्टिफाइड नहीं बताता, वो ओवरऑल बताता है। समझ रहे हो बात आप? तो अब आ जाते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई ना तो हमारे इस सवाल में दिक्कत ही नहीं होगी आपको फिर। चलिए दूसरे साल का डेटा उठाते हैं यहाँ से और फटाफट फटाफट करते जाते हैं। यहाँ से हमारा दूसरा साल स्टार्ट है, इसके नीचे से, और ये है दूसरा साल, यहाँ तक आपको आइडिया भी रहे। क्या कहता है, 2005 में, 2005 में एक्सपेंस मटेरियल पे 11 लाख। तो चलिए सर, टू मटेरियल 11 लाख। आगे आ जाइए, अरे कहाँ चले गए हम। इसके बाद आप बताते जाइएगा क्या क्या है, बुक है ना आपके पास, क्या आएगा, टू वेजेस कितने हैं, 11,50,000, और क्या है, कैरेज, कैरेज 1 लाख, और कार्टेज 10,000, और सन्ड्री एक्सपेंस 20,000, और बस अब पढ़ लेते हैं जो कहानी है पढ़ने वाली, वो मेरे काम की चीज है। क्या कहता है, 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 3/4 पहले क्या होता है, इसको बोलते हैं 3/4, समझिएगा ठीक है ना। कहता है 3/4 ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट वॉज सर्टिफाइड डन बाई 31 दिसंबर, 80% दिस रिसीव बाय अकॉर्डिंगली। यानी सर 2004 में तो जो सर्टिफाइड था वो था ही, 2005 में कहता है 3/4 सर्टिफाइड हो गया। यानी सर दो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है सर, 75 लाख का। 75 लाख का 3/4 कितना होता है, 75 लाख का 3/4 कितना होता है, निकालते हैं सर, इनटू में 3/4 सर, ये 56 लाख, 56 लाख। अब मेरे सवाल का बस एक जवाब दीजिएगा, मैं दूसरे साल में जाके बोल रहा हूं कि मेरे 56,25,000 का काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये दूसरे साल के बारे में बता रहा हूं या पहले और दूसरे को मिला के बता रहा हूं, पहले और दूसरे को मिला के बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आपसे और है, मुझे बता दीजिए दूसरे साल का कितना वर्क सर्टिफाइड है, दूसरे साल का कितना सेल माने हम, बताइए। आपने बोला सर ये जो दे रखा है आपका 56,25,000 बोला आपने, दोनों साल का है, दोनों साल का है, तो मुझे आप बता दीजिए कि आपका कितना होगा, 37 लाख। बच्चों ने जवाब भी दे दिया, कह रहे हैं कि सर ये होगा 37,50,000, और बिल्कुल सही 37,50,000, श्रुति जैन ने सबसे पहले आंसर दिया, तो 37,50,000, और भी बाकी बच्चों ने फटाफट दे दिया। यानी सर मुद्दे की बात है, हम यहाँ वर्क सर्टिफाइड लिखना चाहते हैं, तो एक तो तरीका है हम यहाँ पे लिखें पहले WIP, और WIP में लिखें हम वर्क सर्टिफाइड, और वर्क सर्टिफाइड में टोटल लिख दें हम, टोटल कितना था हमारा, 56,25,000, और इसमें से माइनस कर दें ओल्ड वाला, ओल्ड वाला कितना, 18,75,000, ये माइनस कर दें ठीक है, और फिर इसमें प्लस क्या करेंगे, वर्क नॉट सर्टिफाइड, फिर प्लस क्या करेंगे, वर्क नॉट सर्टिफाइड, जो कि हमारे इस सवाल में दे रखा है, नहीं दे रखा है, दे रखा है वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना है हमारा, 1 लाख। तो काफी बार ना बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती सर ये हो क्या रहा है, कॉलेज में भी आपके हुआ होगा शायद, कुछ बच्चों को समझ में भी आ गई होगी बातें ये, और कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे। तो ये टोटल अगर मैं करके यहां दिखा दूं तो कितना आएगा, टोटल क्या आएगा, 38 लाख, 38 लाख कितने, 50,000, यही है। अब यहां पे एक पॉइंट और था, अनयूज स्टॉक, आपका अनयूज स्टॉक कितना है हमारा, द वैल्यू ऑफ अनयूज स्टॉक एंड वर्क सर्टिफाइड वॉज अ सर्टेन 1 लाख रुपए। तो भैया यहाँ पे अनयूज स्टॉक कितना है, देखो किताब में दे रखा है क्या आपको, दोनों यही है,
ठीक है, चलिए। तो सर यहाँ पे कुछ निकलेगा हमारा, यहाँ पे कुछ निकलेगा। और मैं एक सवाल अभी पूछूंगा, पहले मैं टोटल कर लूँ आपके लिए, ठीक है। 38 लाख यहाँ प्रॉफिट आएगा, 38.5 लाख कर देता हूँ, ठीक है। 38.5 लाख कर देते हैं, ठीक है ना, आपके लिए। 38 लाख 50 हज़ार -11 लाख -11 लाख 50 हज़ार -1 लाख 15 हज़ार -10 हज़ार -20 हज़ार सरप्लस आ गया 14 लाख 55 हज़ार। चेक करिए सरप्लस, चेक करें दूसरे साल का, मेरा तो आ रहा है 14 लाख 55 हज़ार। आप भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। सभी बच्चे चेक करिए, हो सकता है मेरे से, हाँ ठीक है। कई बार टोटलिंग में मिस्टेक हो जाता है, मैं कर देता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, तो इसलिए मैं अब हर बार पूछ पूछ के कर रहा हूँ। 14 लाख 55 हज़ार, अब ये कहाँ पहुँचेगा सर, ये बाय सरप्लस 14 लाख। अब इस पे रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ बताया नहीं है। अब मुझे बताइए 3/4, आप बताइए 3/4 कितने परसेंट होता है, 3/4 कितने परसेंट होता है। तो आप जब 3/4 को सॉल्व करेंगे ना, तो जवाब कितना आएगा, देखो 3/4 × 100 75%। यानी आपका काम जो कंप्लीट है वो कितने परसेंट है, अब 75% में रूल कौन सा लगता है हमारा, 2/3। तो अब यहाँ पे हम 2/3 के अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे सर, रूल के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। 2005 के लिए कर रहा हूं मैं ये, तो क्या आएगा, CPL इज इक्वल टू 14 लाख 55 हज़ार 14 लाख 55 हज़ार इंटू में 2/3 और इंटू में कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड। अब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है भैया 80% रहेगा, तो हम डायरेक्टली कितना कर सकते हैं, 80% भी कर सकते हैं, क्योंकि कैश रिसीव कितना होगा हमारा, जितना वर्क सर्टिफाइड होगा दूसरे साल का उतना ही होगा। तो दूसरे साल का वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारा, 56 लाख 25 हज़ार माइनस, यानी 37 लाख 50 हज़ार। तो 37 लाख 50 हज़ार का ही 80% मिलेगा ना मुझे। तो आपको कैश रिसीव भी अगर सवाल में पूछा जाए तो निकाल सकते हो, जैसे लास्ट क्लास में बताया था, प्रोपोर्शनेटली होता है। 7 लाख 76 हज़ार, तो ये आ गया सर 7 लाख 76 हज़ार। अगर 7 लाख 76 हज़ार की बात करें तो ये तो चला जाएगा सर बड़े आराम से CPL 7 लाख 76 हज़ार, और बाकी चला जाएगा 2WIP, 2WIP कितने, 6/7/9। ये लीजिए दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक था, पहले साल से दूसरे साल में जाने में थोड़ा चेंजेस आ जाता है। चलिए अब इस साल जब जाएंगे, ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब क्या होता है WIP रिजर्व, कि इसको भी आपको सेल्स एक तरीके से बैड डेट्स है, ये भी क्या है एक तरीके से बैड डेट्स है। अब अगेन हम तीसरे साल में पहुंचेंगे तब इसकी बात करेंगे। चलिए आ जाइए तीसरे साल में, तीसरे साल सर सेकंड रूल क्यों लिया, क्योंकि काम जो है वो 75% कंप्लीट हुआ, 50 से 90 तक सेकंड रूल, सेकंड नहीं लगा था, थर्ड लगाए, थर्ड लिया है मैंने, सेकंड गलती से बोल दिया, वो थर्ड रूल है, ठीक है, चिंता मत करो। 2006 में कहता है कि मटेरियल इतने का लगा, वेजेस इतने का लगा, कार्टेज इतने का लगा, सन्ड्री एक्सपेंस इतने का, द होल कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सो द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस भी बनाना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना है, वुड अपियर ईच ऑफ द ईयर, हर साल का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना के दिखाना है, अज्यूम बैलेंस शीट हिम रिसीव कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट, और बैलेंस शीट भी लास्ट में बना के दिखाना है, ऑल्सो रेलिवेंट बैलेंस शीट। तो सर पहले हम इस सवाल के अंदर जो जो लिखना है लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है, टू टू मटीरियल 6 लाख 30 हज़ार और टू वेजेस 8/50 और टू कार्टेज
कितने? 30,000। और सन्ड्री एक्सपेंस कितने? 15,000। और बस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट का मतलब अब हमारा वर्क सर्टिफाइड नहीं होगा, जैसे पहले हो रहा था ना उस तरीके से अब हमारा वर्क सर्टिफाइड नहीं होगा। अब यहां पे आएगा सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तब लिखोगे, ये सारा सेल इसी साल का थोड़ी है। पुराने सारे सेल्स को हम इधर दिखा दें या कॉन्ट्रैक्ट में से पुराने सेल को माइनस कर दे, वही करना होगा। तो दो ही तरीका है, तो मैं इसको दिखाने का तरीका आपके हिसाब से कर देता हूँ जैसे आपको समझ में आ रहा था। पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है हम मान रहे थे कि कितना मिलेगा? 75 लाख। लेकिन सर 75 लाख में से माइनस हम क्या कर दें? पिछले 2 सालों का सेल, क्योंकि ये तीसरा साल है ना, पिछले 2 सालों का सेल। तो सर पिछले 2 सालों का सेल कितना था? 56 लाख। और प्लस वर्क जो नॉट सर्टिफाइड रहा था अब वो भी सर्टिफाइड हो गया है ना? जो नॉट सर्टिफाइड था वो भी सर्टिफाइड हो गया है, यानी देखा जाए तो कितना होगा? 57 लाख। 57 लाख 25,000। और कुछ पार्ट हम सेल नहीं मान रहे थे, कुछ पार्ट हम सेल नहीं मान रहे थे, उसको वापस क्या कर दो? प्लस कर दो। कितना पार्ट सेल्स नहीं मान रहे थे? 6। कुछ बच्चों को शायद ये समझ में ना आए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। टोटल ये हमारे पास साल है, देखो ये इस साल का सेल, इस साल का सेल, हर साल का अपना अलग अलग सेल है और इस साल का सेल अलग है। टोटल मेरा सबको जोड़ के 75 लाख होना चाहिए था, जिसमें से इस साल में 18,75,000 हो चुका है और इस साल में हमारा कितना? 38,50,000 हो चुका है। तो अल्टीमेटली ये दोनों अलग अलग है, तो अब जो बाकी बचा वो यहाँ होगा। लेकिन एक ऐसा सेल्स भी पार्ट हम मान के चल रहे कि हमारा सेल्स है ही नहीं, जो कि क्या है सर? WIP। तो उसको भी मैंने क्या करा, इस तरीके से माइनस कर दिया। अब क्या आ गया यहाँ पे? 24,54,000। 24,54,000। और कुछ है क्या यहाँ सर? यहाँ पे सारा का सारा प्रॉफिट आपको बताया था, जब कंप्लीशन हो जाए 100%, क्योंकि ये 100% कंप्लीशन है, सारा का सारा सरप्लस में चला जाएगा। तो कितना आता है सरप्लस में देखते हैं? 24,54,000। 24,54,000 और 2 सरप्लस 16 लाख। चेक भी कर लीजिएगा आप, बताइए क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 9,29,000। 6,79,6,79। 1 मिनट, 16,94,000 वो रिजर्व में नहीं डाल दिया, 6,79,000। हाँ किसको आंसर क्या आ रहा है आपका? सही आ रहा है आंसर, चलिए 9,29,000। अब इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, क्योंकि 90% तक होता तो उसके लिए रूल था, 90% से ऊपर के लिए बोला गया भैया पूरा कर दो यहाँ पे। लेकिन फॉर्मूला था कुछ, मुझे भी याद आ रहा है और आपको भी याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था सर? फॉर्मूला था अगर 90% से अबव जाता है तो कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कर लेना है आपको प्रोपोर्शनल बेसिस पे। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और ये वाला स्टेप कर सकते हैं। तो जो सरप्लस आया कैश रिसीव कितना होगा? जितना सेल है उसका 80% और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यानी सिंपली बोला जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो बस इसका हमें क्या करना होगा? 80% करना होगा हमारे वाले सवाल में। हमारे वाले सवाल में क्या करना होगा? 80%। बाकी मैं फॉर्मूला ही लगाऊंगा ताकि आपको लगे कि हाँ भाई फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या कहता था फॉर्मूला? सरप्लस। और सरप्लस कितना है सर? 9,29,000 इंटू में कैश रिसीव, वर्क सर्टिफाइड तो यही निकला है ना सारा, 24 लाख। सॉरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने? 75 लाख। और अब तक कितना मिला होगा? 75 लाख रुपए का 80% ही तो मिला होगा आपको कैश। कितना मिला होगा? 80%। तो 75 लाख का 80% कितना होता है? वैसे तो मेरे हिसाब से सारा मिल गया होगा।
आप बुक में चेक करिए एक बार, 60 लाख मिला। तो यहां पे अगर आप करना चाहते हैं तो सीपीएल, बाकी जरूरत नहीं है, यहीं पे खत्म हो जाएगा ये 60 लाख। मैं सीधा 9 अपने तरीके से निकाल लेता हूं, का 80%, 7 43 200, और यहां क्या आ गया, WIP 8, बस खत्म। करना चाहे तो, बाकी जरूरत नहीं है, मैं अगेन कहूंगा, क्योंकि यहां पे बोला है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, बुक में ये कर रखा है स्टेप, नहीं कर रखा है तो मैं मिटा दूं, नहीं कर रखा ना तो हम भी मिटा देते हैं। हाँ अगर कहता ना नियर बाय कंप्लीशन है तब करते हैं, हम भी मिटा ही देते हैं। मैं अगेन कह रहा था इसे करने की जरूरत है नहीं, हटा ही दो, बच्चे परेशान हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मजे की बात, बैलेंस शीट इतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं है। बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे तो सिर्फ इसको ध्यान में रखना है, बैलेंस शीट बनाते टाइम पे सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो क्या स्टॉक इन हैंड क्या है, अभी मैं बैलेंस शीट दिखा दूंगा। मेन है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 3 साल का बनाना। उसने क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था सर, इंडिविजुअली कहता है कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट वुड अपीयर ईच 3 ईयर, 3 साल का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है। चलो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 3 साल का बना देते हैं। एक WIP अकाउंट भी है, WIP अकाउंट भी है, ये बहुत मोटा हो गया ये तो। चलिए सबसे पहले हम क्या करते थे, बाय कैश लिखते थे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मैं लिख भी देता हूं, बाय क्या लिखते थे हम, कैश। पहले साल में जो कैश मिला होगा, पहले साल का सेल्स था 18 लाख, उसका कितना मिला होगा, 80%, जो कितना बनता है, जो बनता है हमारा 15 लाख मिला। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ रहा है। यहां पे टोटल करेंगे, टोटल कितना हो गया 15 लाख, और इधर, और इधर टू बैलेंस CD 15 लाख, और बाय बैलेंस कितने। अब दूसरे साल में बाय फिर से कैश मिला होगा, दूसरे साल की सेल जितनी थी वर्क सर्टिफाइड उसका, तो आपने निकाला था शायद 37 लाख, तो इसका मिला होगा दूसरे साल में कितना, 80%, तो दूसरे साल में 37 लाख, 50 हजार का 80%, 30 लाख। ये हो गया दूसरा साल, दूसरा साल कितने, 45 लाख, और ये भी क्या आ गया, टू बैलेंस CD, डेट भी लिख दीजिएगा इसमें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाय बैलेंस BD 45 मिल चुका है। लास्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितने, 75 लाख, 75, और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा बाय कैश मिला होगा फाइनल पे हमें 75 लाख, 75 लाख, और 30 लाख रुपए यहां भी मिल गया होगा, 45। चलिए ये बना दिया हर साल का कॉन्ट्रैक्ट ही। सर बुक में तो क्रेडिट में 2006 में कंट्रोल अकाउंट 75 दिखा रखा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बुक में 75 दिखा रखा है, तो आप ये भी चेक करो 75 के जो ये मैंने दो इधर छुटपुट किए हैं वो बुक में इधर दिखा रखा है, वो बुक में किधर दिखा रखा है, इधर दिखा रखा है। तो बात तो वही हो गई ना, मैं तो लॉजिकली चल रहा हूं, आप इसको इधर दिखा दे चाहे इधर दिखा दे तो वो लेके चलेंगे। चलिए बताइए कोई डाउट, कोई डाउट है तो बताएं यहां तक।
प्रतीक 670, 3750 कहाँ से आया? 3750 जो है ना कहाँ गया? यही था ना, ये 3750 दूसरे साल की सेल है, ये सेल्स है यानी वर्क सर्टिफाइड। आप देखिए दूसरे साल का वर्क सर्टिफाइड ये था, इसमें से इसको जब माइनस कर रहे थे तो निकलेगा। आपने पीछे भी बताया था मुझे, सर ये ले लो यहाँ पे माइनस करके, तो ये वाला टोटल था, इसमें से 18,75,000 माइनस किया तो आ गया 37,50,000, आ गया 37,50,000। एक बार रिपीट, बिल्कुल रिपीट कर देंगे अभी। एक बार किताब दिखाइए आप। सर कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड का 80%, हाँ स्टार्टिंग में दिखाया कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड का 80%। क्या आप बैलेंस शीट बना लेंगे? इसमें एक बोला हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी बड़ा सिंपल सा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब सेल्स। अब आप देखोगे तो सेल्स करा है हमने कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना, तो हम यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस ले रहे हैं। अब यहीं से आप बना सकते हो, देखो ये डब्ल्यू आई पी है, तो जनरल एंट्री क्या बना? जनरल एंट्री बना कॉन्ट्रैक्ट टू डब्ल्यू आई पी। क्या बना आपका? कॉन्ट्रैक्ट टू। अब आपको बोला गया डब्ल्यू आई पी बनाने को, डब्ल्यू आई पी अकाउंट में आप जाओगे और क्या लिखोगे? डब्ल्यू आई पी में जाके बाई साइड में लिख दोगे ना, डब्ल्यू आई पी में जाके कॉन्ट्रैक्ट। या मैं बना के ही दिखा देता हूँ, पहले यहाँ तक देख लो, नहीं तो और कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता, इसी में कुछ बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं। मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ पहले। सर क्वेश्चन क्या था हमारा? हमारा सवाल ये है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है हमें, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है यहाँ पे? सर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे पास 3 साल का है, और रूल क्या कहता है, जब आप 3 साल का इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनाते हो तो पहले साल का तो ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में आप जाते हो तो आपका जो वर्क सर्टिफाइड होता है वो टोटल पहले और दूसरे साल को मिला करके होता है, और तीसरे साल में पहले दूसरे साल को मिला करके होता है। इस वाले सवाल में हमें पहले साल का कुछ डिटेल दिया और एक लॉस आ गया, तो हमेशा याद रखना है लॉस के केस में जो हमारे रूल लगते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगाए जाते लॉस के केस में। लॉस के केस में सिंपली सिर्फ लॉस तक लिख के क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। दूसरे वाले केस में हमारा प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरे वाले केस के अंदर हमारा वर्क जो सर्टिफाइड किया था ये किया था। इसको दिखाने का ना एक और तरीका है, कुछ बच्चे बुक से भी मैच कर सकते हैं भाई, तो एक और तरीका है, मैं यहाँ पे ये पूरा लिखूं और मैं यहाँ पे ये लिखूं, 1875 को मैं इस साइड दिखा दूं, 1875 को मैं किधर दिखा दूं? इस साइड, तब भी बात वही आ जाएगी जो बुक वाले करते हैं अक्सर। तो यहाँ पे हमारा सरप्लस आया और बोला हुआ था 3/4, और 3/4 को हमने कैलकुलेट किया तो कितने परसेंट होता है? 75%, और 75% के हिसाब से हमने सारा काम ये कर लिया। चलिए सर आगे, हमने एक बना लिया कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बैलेंस शीट आप बना लोगे, बैलेंस शीट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आगे हमने बना लिया क्या? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे थे, यहां तक बताइए डब्ल्यू आई पी टू कॉन्ट्रैक्ट। चलिए बना ले क्या, हम क्या बनाएं? यहीं पे एडजस्ट करके बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। अब देखिए यहां का मतलब होता है बाय, ठीक है, यही होता है ना, और बाय का मतलब होता है डेबिट। तो अगर मैं डब्ल्यू आई पी को लिखूं तो एंट्री बन रहा है डब्ल्यू आई पी
टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है ना। अब हमें बनाना क्या है, डब्ल्यू आई पी अकाउंट। अब हमें बनाना क्या है बेसिकली, देखिए अब आपको बनाना है डब्ल्यू आई पी अकाउंट। लीजिए मैंने बना दिया डब्ल्यू आई पी अकाउंट, मैं अभी दिखा देता हूं आपको बना के डब्ल्यू आई पी अकाउंट। तो अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में जाके बाय डब्ल्यू आई पी लिखते हैं और डब्ल्यू आई पी में जाके टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे लिखा हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कितना जाएगा, पहले साल का 1875 था याद है ना, पहले साल का 18, पहले यहां तक देखिए कोई दिक्कत। और बाय साइड में क्या आएगा सर, बाय साइड में पहले यहां तक देखिए, ये समझ में आए, अगर एक जर्नल एंट्री से समझ में आ गया तो बाकी सारा आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब बाय साइड में बस बैलेंस सीडी करना है जैसे कैश में करते थे। बैलेंस सीडी सर कितना, 18 लाख, ये पहले साल का है, और क्या आएगा सर, और टू साइड में बीडी। अब दूसरे साल का डब्ल्यू आई पी करेंगे, तो दूसरे साल में डब्ल्यू आई पी में क्या क्या है, दूसरे साल में ये वाला तो हटाई दो, ये वाला आएगा डब्ल्यू आई पी का, ठीक है ना। तो अब दूसरे साल में फिर से इधर आ जाएगा हमारा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना सर, 38 लाख। पहले ये देखिए सर कॉन्ट्रैक्टी, अभी बता देंगे कॉन्ट्रैक्टी भी, यहां पे देखिए पहले इसको दिखाने के दो तरीके हैं। अगर आपने इधर डब्ल्यू आई पी लिखा है, मैं नेट करके चल रहा हूं, अगर आपने इधर डब्ल्यू आई पी लिखा है तो एक डब्ल्यू आई पी का इधर से भी एंट्री बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट टू डब्ल्यू आई पी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इधर भी आएगा इधर भी आएगा। तो लेकिन हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कितना बनेगा ये बन जाएगा हमारा कितना बताओ, 87 57 57 25। आप सीडी पे ध्यान दीजिए, सीडी आ गया 57 25, मैं रफली कर रहा हूं लेकिन आप समझ लेंगे कि कैसे किया गया। क्लियर है। और थर्ड साल में तो पूरा का पूरा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसको इसी तरीके से बस थर्ड ईयर में एक रिजर्व वाला पॉइंट आ जाएगा जो कर देंगे। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो एक बच्चा कह रहा है सर कॉन्ट्रैक्टी बता दो, तो देखो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्या है, पहले साल में ये कैश मिला सीडी आया, दूसरे साल का कैश ये वाला है ऐसे निकला, पहले साल का कैश ऐसे निकला सीडी आया, तीसरे साल में जब भी होता है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है और फाइनल हमारा कैश आ जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चे कह रहे हैं सर लैग हो रहा है,